हर पाकिस्तानी खून के आंसू रो रहा है, और जो शहदा की फैमिलीज हैं उनका तो वो एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। वो एक दूसरे से मिल मिल के रो रहे हैं कि ये हमारे बच्चों के साथ हमारी कौम ने ये करना था, तो हमने किसके लिए अपने बच्चों को कुर्बान किया है, किस कौम के लिए अपने बच्चों का खून बहाया है, जिसने भी किया है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये जो अभी देख के सब रो रहे हैं ना, तो ये जिस वक्त इस पर हम लोगों का तो वाकई दिल खून के आंसू रो रहा था कि इन्होंने इतनी जुर्रत की हमारी इस खूबसूरत यादगार को जलाने की। अल्लाह करीम इनको खुद ही इसकी इबरतनाक सजा देगा इंशाल्लाह। हमारे बच्चे तो इस कदर कुर्बानियाँ दे दे के इस मुल्क को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और बस हमारे ही कुछ बच्चे ऐसे भी शरपसंद हैं जो हमारे कौमी असासों का ये हशर नशर कर देते हैं, जिसकी हमें देख के बहुत ही तकलीफ़ है, बहुत तकलीफ़ है। यहाँ पर हमारे जो कौमें अपने मोहसिनों को भूलती हैं और उनकी यादगारों का ये हाल करती हैं, उनका अल्लाह हाफिज़ है। मुझे ये देखकर बहुत दुख हुआ है जब से ये 9 मई का वाक़या हुआ है। इसके अलावा भी इन लोगों को क्या पता कि हमारे बच्चे जवान जब सरहदों पे पहरा देते हैं और फिर शहादत पा जाते हैं, लेकिन ये कि ये देख कर इदारों के साथ इस तरह ज़्यादती, ये अच्छी चीज़ नहीं है। जो 9 मई को वाक़या हुआ है यहाँ पर, वो नहीं होना चाहिए था। सियासत के जो भी मामलात हैं वो अपने हैं, लेकिन मुल्क के रिसोर्सेज को तबाह ऐसे नहीं करना चाहिए किसी भी फर्द को, क्योंकि हम सब के ये अपने रिसोर्सेज हैं। आज ये जो हालत देखी है, जिसके लिए हमारे बच्चों ने जान दी है और इस मुल्क को संभालते हुए चले गए हैं, तो ये जो हमारे बंदे इन्होंने ये किया है, मुझे आज उससे भी और ज़्यादा दुख हुआ है। 9 मई के हवाले से यही कहूँगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम लोग एक हैं, मुसलमान हैं, इस मुल्क के शहरी हैं, हमें एक दूसरे का ख्याल रख के साथ साथ चलना है। और बड़ा दिल दुखा यहाँ पे आके ये सारा कुछ देख के, बस अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए।